Hey guys, welcome back to my channel, Mom P. Rahul. तो अभी बाप बेटी का सवेरा हो गया है. कैसे करे बेटा? गुड मॉर्निंग बोल बेटा. बोले हे बेबी, हाय बेबी, हाय बेबी. तो अभी इसको खिलाना है और थोड़ा सा पानी भी पिलाना है. हमारी बेटिया रानी अभी सो के उठी है. बम डिगी डिगी बम 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 डिगी डिगी बम 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 डिगी डिगी बम बम बम. ये अपना बम नचा रही है. तो बम डिगी बम 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 डिगी बम 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 टुकु टुकु टुकु. क्या बेटा, तो आप लोग कैसे हो? और आज मामपी के पापा आने वाले हैं, तो मामपी का एक्साइटमेंट एकदम ऊपर तक है. और मायरा के नानू आने वाले हैं. बेटा आपके नानू आने वाले हैं. यस, तो चलिए थोड़ा सा मम्मी का भी हलचल पूछ लिया जाए कि क्या एक्साइटमेंट है उसके पापा के आने के खुशी में, क्योंकि उसके पापा बहुत कम आते हैं और मतलब हमारे ससुर जी बहुत कम आते हैं. एंड ये पहली बार है जो मम्मी को लेने के लिए कोई आ रहा है. ऐसे मैं ही अम्मी से छोड़ के जाता हूँ और पहली बार मायरा और मम्मी को लेने इसके नानू और मम्मी के पापा यानी कि मेरे ससुर जी आ रहे हैं, है ना. मुआ, मुआ. सो बेबी, ए बेबी, एक्साइटमेंट तो बताइए. बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा है. लेकिन पहली बार ऐसा है ना कि हम मेरा मायके जाने के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा पहली बार लाने आ रहे हैं हमको, ठीक है. और पहली बार ऐसा भी हुआ कि हमको उतना एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि मायरा का तबीयत खराब है. वो अगर ठीक हो जाए ना, फुड़फुड़ करे तो इसी मम्मा छूना बो तुम कुछ खा लो, मम्मा फिर से खुश हो जाएगी. तो हम हैप्पी तो है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पापा हमको लाने आ रहे हैं यहाँ से. जब सब पापा जाते थे ना पिंकी दी को लाने, पूनम दी, मतलब पूनम दी को तो कभी लाने नहीं गए, पूनम दी अकेले आए हैं. लेकिन शादी हो गया प्रिया का तो प्रिया को लेने आते, तो हमको भी लगता कि हमको भी मेरा पापा लाने आते, कितना अच्छा लगता ना. लेकिन पापा पहली बार हमको लाने आ रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है. लेकिन थोड़ा सा मतलब उतना एक्साइटमेंट नहीं है मायके जाने का, मतलब हर बार की तरह. तो? हर बार मायके जाना होता ना, इतना हम 2-3 दिन पहले से बैग समेट के रखते थे. लेकिन अभी तक मेरा, कल हम जाएंगे और अभी तक मेरा बैग नहीं सब पैक हुआ. आज ही बैग पैक करेंगे. और क्या, पापा आ रहे हैं, इसमें मजा आ रहा है हमको लेने. मायरा कुछ खा नहीं रही है, आज अगर थोड़ा सा खाएगी ना तो मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश होगा और हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो भी देंगे. तो इसको 2-3 दिन से हम वीडियो में कम आ रहे हैं, आप लोग देख ही पा रहे हो. बाबू दिखा रहे तो वही दिख रहे हैं, हमने तो उधाव हो गए हम मायरा के पीछे परेशान. तो अभी हम माय बेटी उठे हैं, मायरा को भी खिलाएंगे ना मम्मा. अरे बाप, देखो बाप बेटी क्या कर रही है. देखो अभी पेट भी नहीं साफ हुआ. क्या पकड़ी बाबू, हम दूध गर्म चढ़ा के आ गए. मेरा सुकून, मेरा सुकून, देख रहे हो. डैडीज लव, डैडीज लव, माय बेटू. बेटा करो तो, बेटा सुनना, करो तो. बेबी बोलो तो एक बार, हाय बेबी. ऐसे कर रहे पापा, कर दो ना बेबी. ऐसे नहीं करना, बेबी करना है. बेबी, हाय बेबी, बेबी बोलो, बेबी बोलो, बोल ना रे. तो अभी फिलहाल इसका मूड तो नहीं है, तो चलो उठ के फ्रेश हो जाता है. फ्रेश तो मैं हो गया, ब्रश व्रश कर लिया, एकदम मुंह अच्छे से धो लिया. तो ये देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है लड़की. हमारी अच्छी गुड मॉर्निंग तो मायरा, मायरा को बिना देखे हमारी गुड मॉर्निंग भी अच्छी सी नहीं होती, है ना. है ना,
वहाँ तुम्हारा फेस चमक रहा है, गुलाबरी लगाई हो क्या? ओके okay, मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस, तब तक थोड़ा सा इसको परेशान कर। और हमारे बिहार का मौसम बहुत अच्छा करके रखा है, और मम्मी नाखून काट रही है, मेरा भी काट देना माँ। तो बिहार का बिहार का मौसम देखो, वेदर देखो, बहुत प्यारा है। अम्मा बाल झाड़ा तो देखना मायरा बेटा, वैसे नहीं होते ला, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ बाबू, चोट लगेगा आपको। तो गाइस देख सकते हो यही प्रॉब्लम हो रहा है मायरा के साथ, कि मायरा खाना नहीं खा रही है और मुंह पे रख रही है। देखो कितना देर हो गया मुंह पे रखे हुए, आधा घंटा। हाँ आधा घंटा, अच्छा। और ये फास्ट चम्मच इसको हम दिए हैं। खा ले रहे मेरी माँ, भूत आएगा। तुम्हारा मुंह नहीं दर्द होता है क्या? होता है, गुस्सा हो जा रहा है, नहीं डर लगता हमसे? खा ले ना, पानी लाइए, जल्दी आइए, पानी लाइए। पानी क्यों नहीं रखती हो? पानी लाइए, आज हम करेंगे पैकिंग। कितना दिन से माँ? 12 दिन से एक भी दिखाई। जब जा रहा था एक हफ्ता से कर पेट। हाँ, यही तो हम बोले आज वीडियो में कि हम सही में, मम्मी बोल रहे हैं कि हम जब भी जाते हैं ना एक हफ्ते के बहुत पहले से कुछ ना कुछ। मम्मी लग रहा है कल जाके, इससे अच्छा है अब ये इसको घर से निकाल देते ना। गुस्सा मर लगा था कि बाहर लग जाता। सबसे ज्यादा खुद इस बार हम है, क्योंकि बहुत सास बहु कर ले, एक बार बोल तो निकालेगा, एक्टिंग कर तो कैसे, एक बार करने का निकल जाओ मेरा घर से ना, ऐसे करके वहां ट्रॉली पे आइए मम्मा, ट्रॉली पे आइए मम्मा, बोलना बोलना बोलना। तो सही में हम बहुत पहले से पैकिंग कर रहे, लेकिन इस बार मायरा का थोड़ा तबीयत खराब हो गया ना, मेरा मूड हो गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है हम घर जाने के लिए। हमको लग रहा है 2 दिन लेट करके आते तो ठीक होता, उसका तबीयत पूरा ठीक हो जाता तब जाते। सही में इस बार उतना एक्साइटेड नहीं है। मेरी मी वाला करेंगे, लेकिन आज हम फाइनली पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि कल हमको जाना है। अगर आज पैकिंग नहीं करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ भूल जाएंगे। मायरा छोड़ते जाता लग रहा था, भूल जाएंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि पी लेंगे भाई को धन्यवाद। मम्मी जो चना जो खा रहे इतना टेस्टी है, मम्मी से तो हम आधा खा कर ले लेके। हाय बेबी, ए बेबी, हाय। उसे बोला तो कुछ ऐसी बेबी है, बेबी जी को बोलती है हमारा बेबी। नहीं उसको मैं हमेशा बेबी भी बुलाता हूँ ना, इसलिए भी बेबी बोलती है। और हवा देख रही हो हमारे घर में इतना प्यारा नेचुरल हवा आ रहा है ना, ओहो बहुत मस्त हवा आ रहा है, बहुत ज्यादा। चलो वो पैकिंग भी करना है, जाए के चल जा रहा, लेकिन मारा का वीडियो कॉल ना करके दिखा रहा ना, फोन उठा रहे तू आप भी अगर ना उठे मम्मी तो मारा के को फोन दे दे बाबा रे, दिखा दे दिखा दे दिखा दे। अरे वो बागे जो काली माँ बनल रहे वो बा, हम तो महिला हवा, मम्मी को डरा दिए, हम तो जी उतना महिला घुसल हुआ, हम भी डर गए थे। काना साफ ना करेला नहाते टाइम। ओ मायरू दादी को छोड़ के कहाँ जा रही है? बेरिये जाओ हमारे घर से के तुम्ही। मम्मी को मेरे पर सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हम उनकी पोती को लेकर भागते हैं। देखिए आपका एक वाइट पैंट, बहुत सारा नया कपड़ा तुम तो सब गिरा दी, खिलाई हमको खिला। तो पैकिंग शुरू हो गया है और देखते हैं क्या क्या पैकिंग में मम्मी लेके जाती है। ये सारा कहाँ रखेंगे हमको तो समझ में नहीं आ रहा। तो तुम पुरनका भी तो नहीं फेंकती हो या किसी को दे दो ना? पुरनका नया नया कपड़ा बोलते, पुरनका देखे हम
हाँ देखो दादी को खिला रही है। ले बाबा कल चली जाएगी। हाँ वो तो दादी प्याली दादी तो चलिए मैं भी पैकिंग में हेल्प कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो आपने वो कहावत तो सुना ही है कि पहले आप देख लो ये सारे और ये फिर भी कहती है बाबू मेरे पास कपड़े ही नहीं है, क्या मैं भरूं इसमें। अब बताओ कि हम जैसे लड़कों का क्या होगा जो कि सिर्फ 3-4 शर्ट रखते हैं और 3-4 टी शर्ट, उसमें भी एकदम। और ये मैम साहब एकदम ओहो इनकम्प्लीट बेटा। ओ माई एंजल तुम्ही कोथाय जावे गो काल की आमा के छेड़े आए। ए बाबा पोरे जाबी गे आगे पिछुन दिखे पोरे जाबी पिछुन दिखे कितना झटक गई रे हमारी बच्ची झटक गई है। हाँ हे बेबी ओ बेबी झटक गई तू रे माई एंजल। ओके तो ऑलमोस्ट मम्पी का पैकिंग हो चुका है। और हाँ यही वाला तो बोल रहे थे तुमको यार, हाँ ये रख लो ये अच्छा लगता है तुम पे, यही वाला कपड़ा तो आपको मैं बोल रहा था कि ये भी भर लो कोलकाता के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना 6 बाहर कहीं आने जाने के लिए 3-4 टी शर्ट घर पे, फिर वहाँ पे शॉपिंग करा देंगे अगर मुंबई जाएंगे तो। और महाराज उसमें कुछ नहीं करो अगर हाँ हम भी गिरे आप भी गिरे। हाँ बेटा हाँ और कुछ बच गया और सर्च करो, टी शर्ट तो है, ब्लैक टी शर्ट है, बहुत सारा टी शर्ट है उसमें देखो। तो गाइस पैकिंग स्टार्ट रहेगा, तो पैकिंग खत्म करने के बाद आई थिंक ये मेरा टी शर्ट है। हाँ देखा ना आपका है। हाँ ये मेरा है रख दो। वो बकवास से मंगवाए थे ना। अरे बेवकूफ है बकवास नहीं है। हाँ वो बेवकूफ से मंगवाए थे, एक ही सब तो होता है। एक ही सब कैसे होता है। और नीचे देखो ना, और नीचे लाल वाला टी शर्ट मेरा मिल जाए जब खोली तो फिर खजाना खोली हो ना। निकालो ना नीचे से थोड़ा सा उधर कोना वाला से निकालो ना। अरे एक टी शर्ट है आपका ग्रीन वाला समझे, वो हमको पहले के जाना है। कौन ग्रीन वाला जो नया खरीदे थे। हाँ। कहा है ये ना लेके जाओ, ये घर में पहनने के लिए ग्रीन टी शर्ट आप ही तो चूड़ियों से लाए थे, आप ही पसंद करके लाते हैं। ये तुम्हारा उठ जाता है, इसके अंदर फिर टेप पहनना पड़ेगा। टेप पहनते हैं बाबू, हर कपड़े के अंदर टेप पहनते हैं, आपको नहीं पता। हमको क्या दिखा के पहनती हो का इसको भी पैक कर लो इस बैग में, ये लड़की को भी पैक कर लो बैग में, बदमाशी करता है। वो टावल ले लो मायरा को, कहीं आने जाने में मम्मी ट्रेन में वो काम आएगा, बाहर निकाल के टावल ले लो। मायरा ही आपको गिफ्ट ले लो ना, मायरा का काम ही आएगा ना। तो गाइस पैकिंग खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर। फाइनली यहाँ पे मम्मी का हो गया है पैकिंग कंप्लीट, और अब मैंने अपनी प्यारी सी बेबी के लिए रखा है। तो मायरा का तो ज़्यादा है नहीं, वहाँ पे शॉपिंग किया जाएगा मायरा के लिए। और मेरा मैं 12 तारीख को जाऊँगा। क्या बोल रहे हो, अभी हो रहा है मेरा बैकपैक। मेरा बैकपैक हो गया, गुड गर्ल। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और पूरा बैग बैग पैक हो गया, इसको क्लीन कर देना मम्मी अच्छे से, ठीक है। फिर मैं 12 तारीख को कर दूंगा। और बैग पैक होता है, और मम्मी इधर कह रही है तेरे बिन हम कैसे जिएंगे। ओ मायरा दादी को छोड़ के जा रहे हैं, बोलो दादी तुमको रोज फोन करेंगे। एक दिन
अभी वो पर हम तुमको इतना मिस करेंगे। बोलो दादी, अरे शर्मा गए देख नहीं दादी। ओह माय गॉड, अरे अखिया देख ले, देख ले देख ले अखिया देख ले कितना ये लड़की एकदम नाटकबाज हो गई है। एक पपीते, गुड गर्ल। ओके तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। मायरा बाय करो, बाय बाय कर दो सबको, बाय 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 माँ, मिलते हैं कोलकाता में, बाय टाटा टाटा टाटा। ओके बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।